सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप सिबिल स्कोर किस तरीके से फ्री में जनरेट कर सकते हैं। सिबिल की ही वेबसाइट से हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एक रिपोर्ट अपनी जनरेट कर सकते हैं, आपका कितना स्कोर है और आपकी बाकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है। ये वीडियो एक वीडियो सीरीज का पार्ट है जहां पे हम सिबिल स्कोर का पूरा डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने सिबिल स्कोर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि आखिर वो होता क्या है, किस तरीके से एक अच्छा स्कोर आपको लोन लेने में मदद करता है, और साथ में हमने ये भी देखा था कि सिबिल स्कोर किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कौन कौन से चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जरूर देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर हम क्रेडिट रिपोर्ट देखेंगे, किस तरीके से आप अपना क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं ऑनलाइन फ्री में। सिबिल की ही वेबसाइट से आप देख सकते हैं, किसी तरीके के कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं आपको। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं सीधा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अपना सिबिल स्कोर चेक करने के लिए आप सबसे पहले गूगल में जाएंगे, वहां पे टाइप कीजिए सिबिल स्कोर चेक। आप जैसे ही एंटर करेंगे, ये देखिए ये पहला ही रिजल्ट जो आ रहा है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। आप एड्स को इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये सिबिल की ही वेबसाइट है sibil.com, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो खुल जाएगी। आपको उसके बाद ये गेट योर्स नाउ पे जाना है। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और फर्स्ट नेम और ये सारी डिटेल्स भर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने ये सैंपल के तौर पे अपनी डिटेल्स भर दी हैं। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू टू स्टेप टू पे जाएंगे। स्टेप टू पे आपको इस तरीके की डिटेल्स मिल जाएंगी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, और आप अपनी डिटेल्स भर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिटी प्रूफ मेंशन करना होगा, उसी के हिसाब से आपका प्रूफ निकलेगा और आपका प्रोफाइल निकल के आएगा, राइट। उसके बाद आप अपना कंटिन्यू टू स्टेप थ्री चले जाएंगे। स्टेप थ्री में आप अपना आइडेंटिटी वेरीफाई कर देंगे। तो मैं अपना ऑलरेडी प्रोफाइल बना चुका हूँ। आपने एक बार अपना प्रोफाइल बना लिया, उसके बाद आप जाएंगे मेंबर लॉगिन पे। अब मेंबर लॉगिन पे मैं देखिए ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा प्रोफाइल दिख रहा है और यहाँ पे मेरा सिबिल स्कोर भी दिख रहा है। 836 मेरा स्कोर है अभी। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था, यहीं से मैंने स्नैपशॉट लिया था। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे चलते हैं और क्या क्या डिटेल्स मिलती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पेड भी हैं देखिए। तो यहाँ पे अगर आप अपनी क्रेडिट समरी चाहते हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, ये पेड होता है। आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट्स बाई कर सकते हैं, स्कोर हिस्ट्री को आप अपग्रेड करके देख सकते हैं। तो अपनी क्रेडिट रिपोर्ट बेसिकली यहाँ पे क्लिक करके क्रेडिट रिपोर्ट पे जाके आप देख सकते हैं। एक बार यहाँ पे देखते हैं हम कि क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या डिटेल्स निकल के आती हैं हमारे पास। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं क्रेडिट रिपोर्ट में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, और लास्टली अकाउंट इन्फॉर्मेशन और इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन आती है। अब यहाँ पे मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। अकाउंट इन्फॉर्मेशन और इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर डिसाइड होता है। अब क्विकली देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर डिटेल्स होती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आ जाता है, आपका पैन आ जाता है, वोटर आईडी, आपने जिस भी आइडेंटिफिकेशन से वहाँ पे किया है लॉगिन वो आ जाता है। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी एड्रेस डिटेल्स, टेलीफोन नंबर्स और ईमेल आईडीज आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्योंकि अब घर चेंज करे हैं 3-4 बार, तो यहाँ पे ये मेरे एड्रेस डिटेल्स अलग अलग आ रही हैं, राइट। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी। तो मैंने शायद हाउसिंग लोन के लिए पहले अप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे अकाउंट टाइप हाउसिंग लोन आ रहा है। फिर डेट रिपोर्टेड, ये जो भी लास्ट डेट का रिपोर्ट है वहाँ से ये जनरेट हुआ है। ऑक्यूपेशन और इनकम आ जाता है, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आ गई। उसके बाद अब देखिए, ये जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन और इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने पहले जो भी लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स अप्लाई करे हैं वो सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो ये देखिए, मैंने हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, फिर दोबारा से क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग लोन, ये सब अप्लाई किया है। तो ये सारी डिटेल्स सिबिल के पास भी हैं। अब जहाँ जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है सारी डिटेल्स उसके पास हैं, सिबिल के पास, राइट। फिर इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इंक्वायरी का मतलब है जब जब मैंने कोई क्रेडिट के लिए या फिर लोन के लिए इंक्वायरी करी है, हो सकता है मैंने इन सब से लोन ना लिया हो और क्रेडिट कार्ड भी ना लिया हो, राइट, लेकिन मैंने देखिए 2009 से लेके जितनी भी इंक्वायरीज जनरेट करी हैं यहाँ पे सारी की सारी इंक्वायरीज आ रही हैं। अब 2009 से लेके आज की डेट में 2018 हो गया है, 9 साल हो गए हैं करीब करीब। तो 9 साल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज नहीं है, तो
ज्यादा, जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर आप इंक्वायरीज बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं और कम समय में करते हैं तो उसका एक बैड इंपैक्ट हो सकता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। तो अब ये क्योंकि इंक्वायरीज ज्यादा नहीं है, जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट थी मैंने खाली उतनी ही की थी, तो इसीलिए मेरा शायद इंपैक्ट नहीं हुआ है, खराब इंपैक्ट नहीं हुआ है क्रेडिट स्कोर पे। तो इस तरीके से मेरा क्रेडिट स्कोर दिखता है आज की डेट में, 836 है ये, 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। फिर जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि NA और NH से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, अगर मान लीजिए आपकी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है लास्ट कुछ सालों के अंदर, आपने किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं किया है, क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं किया है या कोई लोन नहीं भरा है, तो उसको NA बोलते हैं, तो नो क्रेडिट एक्टिविटी हो जाता है वो। फिर नो क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब होता है अगर आपके क्रेडिट सिस्टम में एंट्री ही नहीं हुई है, आपने किसी तरीके का कोई क्रेडिट कार्ड आज तक यूज़ नहीं किया है या फिर आपने कोई लोन नहीं लिया है कभी भी, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं होती है, और या फिर आपकी इतनी एनफ क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं जनरेट हुई है तो भी आपको NH दिखा सकता है ये। तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है NA और NH का। अगर आप अपना सिबिल स्कोर जनरेट करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक सिंपल सा क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, आप उसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी और सिबिल स्कोर भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरीके से आप अपना सिबिल स्कोर खुद से फ्री में जनरेट कर सकते हैं और अपनी क्रेडिट रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, और हमने सारी डिटेल्स भी देख ली कि किस तरीके की डिटेल्स आपको क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट होता है और आप उसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से या इस चैनल से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए। मैं आपके सारे कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूं, तो मुझे मैक्सिमम कमेंट्स करके बताइए कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए। और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं हर रोज इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।